हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, आज आपको मैं ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं एक एसी वहाँ पे लगा हुआ है हिटाची का लॉजिक कूल का, एक ये हिटाची का लॉजिक कूल यहाँ लगा हुआ है और मिट्सुबिशी का वहाँ लगा हुआ है। ये दोस्तों हमारे एसी जो है रेंट पर लगे हुए हैं असंत के अंदर। आप अगर आप हरियाणा करनाल के हैं या असंत से हैं तो आप एसी रेंट पर ले सकते हैं हमारे से। हम घर के लिए नहीं देते, ओनली सेंटर या आईलेट्स वगैरह या ऑफिस के लिए देते हैं। तो चलिए, इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं। इस एसी के अंदर जो है गैस लीकेज थी, उसके अंदर भी गैस लीकेज है, वो बिल्कुल ख़त्म है। इसके अंदर भी गैस लीकेज थी, इसके अंदर फॉल्ट क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों फॉल्ट ये था, ये देख लीजिए, ये इसके अंदर फॉल्ट था। मैं इसका थोड़ा एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि थंबनेल बनाएंगे तो पता चल जाएगा। तो ये जो है नट फट गया था। अब ये किस रीजन में फटा, अभी तो जो है मैंने आके देखा और इस नट को फिर मैंने दोबारा लगाया, फ्लेयर किया, तो देख सकते हैं ये रहा। मैंने दूसरा ओरिजिनल मेरे पास नट पड़ा था हैवी वाला, तो ये मैंने नट हैवी वाला लगाया इस पर मोटे वाला। तो ये पहले वाला जो था, ये देखो रेडीमेड जो आते हैं हम मार्केट से जो परचेज करते हैं, ये बहुत ही हल्की क्वालिटी के होते हैं। देखने में फिनिशिंग ऐसी है हल्की बिल्कुल इसकी। अगर मैं इस नट की बात करूँ तो ये वाला नट ओरिजिनल नट है। अगर आप कोई भी नट लेते हैं इस तरह का, तो दोस्तों हमारा, हम बोलते हैं उसे DA कंपनी का, DA लिखा होता है, DA कंपनी मतलब ब्रांडेड कंपनी है, उसके जो नट को हैं कंपनियां भी यूज करती हैं और वो बहुत ही बढ़िया नट होता है, बहुत बढ़िया चलता है वो। और मोस्टली जो है शुरू से लेके अभी तक जो है कंपनियां DA का ही नट यूज करती आई हैं सभी। अगर मार्केट के अंदर वो अवेलेबल होता तो वही खरीदे, अगर आपको पुराना मिलता तो वही ले। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस AC के अंदर गैस डालना। तो आपको कैसे गैस डालनी है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा, हमें वैक्यूम पंप लगाना है। वैक्यूम पंप लगाने के बाद देख सकते हैं हमने क्या किया है, इंडोर की जो आउटडोर का सप्लाई आ रही है ये देख सकते हैं, हमने एक वायर को निकाल दिया आउटडोर की और इसमें लगा दिया। और ये देखिए यहाँ से दूसरी वायर लगा के हमने हमारा वैक्यूम पंप चला लिया और वैक्यूम हो रहा है। इसको वैक्यूम होते हुए लगभग जो है हमें आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और हमें इससे ज़्यादा को करना भी चाहिए वैक्यूम, अच्छा ही बात है, करेंगे जितना हमें अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। वैक्यूम होने के बाद तो मैं आपको अगर गेज के अंदर दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये वैक्यूम अच्छे तरीके से जो है हो चुका है। ये देख लीजिए गेज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अभी इसको जो है हम, अभी इसको जो है यहाँ से हम बंद करेंगे, यहाँ से ऐसे बंद करेंगे, ये थोड़ा घूम गया है, तो यहाँ से अभी इसे बंद करके बस अभी हम वैक्यूम पंप को ऑफ़ करेंगे। यहाँ से अभी वैक्यूम पंप को ऑफ़ करने के बाद यहाँ से हम चार्जिंग लाइन को खोल लेंगे। चार्जिंग लाइन को खोलने के बाद अभी हम जो है अपने सिलेंडर के अंदर लगाएंगे। AC हमारा चल ही रहा है, हमें सिर्फ जो है वैक्यूम पंप की वायर खोल के सीधी लगानी है। उससे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम एक बार देख लेते हैं। अभी एक मिनट, तार लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेंडर की गैस खोलेंगे। अभी छोड़ दीजिए नवनीत, ये हमारे स्टूडेंट है जो अभी काम सीखे हैं, और काम सीखने के बाद इन्होंने असंत के अंदर अपनी जो है शॉप की है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको अच्छे से पूरा टाइट कर लो भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट पहले से पूरा टाइट करो। तो दोस्तों हमने ऊपर से नोजल से गैस खोल दी है, अभी हमारी जो चार्जिंग लाइन के अंदर गैस चली गई है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम इसे, एक मिनट है यार, कौन सी खोल रहे है यार वो, छोड़ इसने। तो दोस्तों स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारी AC के अंदर पाइप लगी हुई है जो वैक्यूम हुई हुई थी वो थोड़ी सी खोल दी थी, कोई बात नहीं, इसको खोलिए और थोड़ा सा जो इसके अंदर एयर है वो निकल जाएगी। अरे भाई उस साइड खुलेगी, बस थोड़ा और खोलो, थोड़ा और खोलो, इसको खोल दो, खोल थोड़ा लिक्विड आना चाहिए थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो बहुत है, बंद कर दो इसको। अभी क्या करो, इसको खोलो हमारे पिलास से, इसको गैस खोल दो, जाने दो गैस, जाने दो। तो इस तरीके से जो है पहले गैस छोड़नी होती है, इससे क्या होता है कंप्रेशर जो है गैस चली जाती है, फ्रोस्टिंग नहीं आती, कई बार क्या हमारे इंडोर जो है कट कर जाते हैं, उससे दिक्कत आती है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड चला गया, ठंड का मौसम है, मतलब मौसम ऐसा ही है, ठंडा है गर्म है, देख लीजिए गैस हमारी जा रही है, तो बंद कर दीजिए। अभी जो है हम आउटडोर की वायर लगाएंगे, तो देखिए अब कैसे हम लगाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ये काम करें तो इस तरह का स्क्रू ड्राइवर यूज करें, अगर स्क्रू ड्राइवर यूज करना तो बिना स्लीव वाला ना यूज करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो ये देखिए इस तरह का यूज करें, तो यहाँ माइक से जरा हाथ हटा लो भाई, यहाँ आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का स्लीव वाला यूज करें अगर बाई चांस ये हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये स्क्रू मैंने पहले से खोल कर रखा हुआ है, इसको इसका थोड़ा मैं लूज कर लेता हूँ ताकि इसके वायर अंदर अच्छे से चली जाए, ठीक है। मैं इसको एकदम से लगाऊंगा, स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए। तो ये देखिए हमारा वन टाइम में लग गया, आउटडोर स्टार्ट हो चुका है,
मैं इसके एम्पेयर आपको चेक करा देता हूँ। मेरे पास एच टी सी का मल्टीमीटर है, ये एच टी सी का बहुत बढ़िया मल्टीमीटर है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मिली एम्पेयर से जो है चेकिंग करता है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली अमेजोन से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा आपको, और प्रीपेड में भी आप जैसे खरीदना चाहते हैं वैसे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एम्पेयर चेक करा देता हूँ। तो अभी ये देख सकते हैं 3.80 एम्पेयर ले रहा है। अभी हम इसे नीचे रखेंगे और गैस को छोड़ेंगे धीरे धीरे। अभी देख लीजिए गैस जा रही है, एम्पेयर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। तो देखिए आराम से एक ही जगह रखो, दोनों चीज़ दिखनी चाहिए, ऐसे रखो कि दोनों चीज़ दिखाई दें, ठीक है, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो अच्छे से पता चले। कहीं पर वो कहते हैं कि सर आपने कितनी डाली, क्या डाली, एम्पेयर दिखाया, गेज नहीं दिखाया, तो इसलिए दोनों चीज़ें उनको दिखनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों हम जरूर जाएं, और वीडियो अपने दोस्तों के लिए शेयर किया करें ताकि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों गैस जा रही है पैरला इसके नीचे, तो अभी हम जो गैस धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। हमारा सिलेंडर जो है ठंडा हो गया है, शायद हमें पानी गर्म करना पड़े, मौसम ठंडा होने की वजह से ये जो है ऐसी समस्या जो है क्रिएट होती है हमारे पास। अभी हम जो हैं आने वाले टाइम में दोस्तों हम सोलर इन्वर्टर की भी वीडियो बना रहे हैं, हम अपना सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो आएंगी। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो अभी हमारी गैस जा रही है धीरे धीरे, यहाँ देख सकते हैं आप फ्रॉस्टिंग आ चुकी है, बर्फ़ आ गई है, इसका मतलब हमारी गैस जा रही है। अभी वो और छोड़ेंगे, इसके दो चार झटके लगाएंगे और पानी की हमें जरूरत पड़ेगी गर्म की, सिलेंडर काफ़ी ठंडा हो गया तो हम पानी गर्म करवाते हैं, इसको खड़ा कर लेते हैं और जितनी निकल जाएगी दिखाता रहो गेज रहो एकदम। तो सिलेंडर हमने टेढ़ा कर रखा है, गैस जो है धीरे धीरे जा रही है, 4.76 एम्पेयर हो गए हैं, 4.78, और जो है जब तक ये हमारी फ्रॉस्टिंग नहीं हटेगी, ये देख लीजिए इधर पाइप पे, जब तक ये फ्रॉस्टिंग नहीं हटेगी तब तक हम जो है इसमें गैस डालते रहेंगे, और इसकी जितनी एम्पेयर रेटिंग है उसमें हम इसको छोड़ देंगे। ये लगभग हमें जो है इसके 7.5 एम्पेयर के करीब इसकी एम्पेयर रेटिंग छोड़ेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो गैस 7.5 एम्पेयर की रेटिंग हम छोड़ेंगे 7 एम्पेयर या 6.5 के करीब, क्योंकि जब हमारी गर्मी बढ़ देखिए फ्रॉस्टिंग हट गई हमारी, यहाँ पे देखिए बर्फ़ चली गई है, और मतलब ये हमारा ओके हो गया है। अभी इसके अंदर गैस हम उतनी डालेंगे कि जितनी से रिक्वायरमेंट है। अभी देख लीजिए, अभी मैंने गैस बंद कर रखी है, यहाँ से नोजल बंद है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे हमारा 50 के करीब हमारी गैस चली गई है, और लगभग हमारे एम्पेयर जो हैं 5 एम्पेयर के करीब जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। तो इसमें थोड़ी हम और गैस डालेंगे ताकि, क्योंकि हम जब नई एसी लेते हैं नॉन इन्वर्टर और R22 के अंदर, इसके अंदर R22 डाल रहे हैं हम, अगर R22 का एसी लेते हैं नया तो उसके अंदर हमारी 80 पाउंड गैस जो है कंपनी डाल के देती है, जो हमारा रनिंग प्रेशर रहता है 80 पाउंड। तो हम कोशिश करेंगे कि उतने तक जाए और हम पेयर जो है 6 पे जाके इसके स्टैंड हों। एक्चुअल जो रेटिंग होती है वही होती है, सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, और चार्जिंग लाइन देखेंगे कलर चेंज कर गई है ठंडी होने की वजह से, ठीक है। तो चलिए हम पानी गर्म कर लेते हैं इसके लिए। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं हमारे 4.95 एम्पेयर चले गए हैं इसके अंदर, देखेंगे आप, ठीक है। और अभी अगर हम गेज मीटर में मैं आपको दिखाऊं, 60 के करीब हमारी गैस चली गई है, इसका मतलब ये है कि हमारी एम्पेयर और गैस का कॉम्बिनेशन ओके है, मतलब ये अच्छा चलेगा। और जो हमारी गैस है 60 गई है, अगर जब गर्मी पड़ेगी एम्पेयर बार का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री होगा तो ये 80 तक चला जाएगा, बिल्कुल ओके चलेगा। और एम्पेयर अभी जो हमारे लगभग है आप देख सकते हैं 4.5 के चल रहे हैं, ये 5.5 एम्पेयर चलेंगे, ओके हो गया, देखिए 5 एम्पेयर चले गए इसके, तो ये हमारा ओके हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।